कल ये क्वेश्चन को प्रोग्रेस करने वाले थे, उसी को फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो एक प्रस्तावित सड़क है जिसका चयन क्रमांक दिया हुआ है आपको, कहाँ से कहाँ तक का चयन क्रमांक 10 से लेके चयन क्रमांक 20 तक दिया हुआ है, यानी चयनेज दिया हुआ है। चयन क्रमांक मतलब चयनेज 10 से 20 तक दिया हुआ है, यानी कोई सड़क है, मान लीजिए कोई सड़क है। ठीक, इस सड़क का कोई खंड उठा लिया, यानी ये इतना खंड उठा लिया, सड़क का इतना खंड उठा लिया और इसका डाटा आपको दे दिया, इसका सारा डाटा आपको दे दिया और बोला है कि इतने खंड बनाने में कितनी मिट्टी की भराई करनी पड़ेगी या कटाई करनी, उसका वॉल्यूम निकाल के बता दिया। ठीक, कोई रोड है, उसका कोई खंड है, खंड कहाँ से कहाँ तक ये लिखा हुआ है, चैनेज नंबर 10 से लेके चैनेज नंबर 20। ठीक, इसका मिट्टी का कटाई और भराई निकाला। अब इसका डाटा दिया हुआ, डाटा क्या क्या दिया हुआ कि पहले तो भूमि के तल दिए हुए हैं किसके लिए, चैनेज नंबर 10 से लेके 20 तक, फिर 10वीं चेन पर, यानी ये चैनेज नंबर 10 पर, चैनेज नंबर 10 पर आपको निर्माण तल दिया हुआ है, यानी फॉर्मेशन लेवल दिया हुआ है। फॉर्मेशन लेवल मतलब अगर ये आप भराई कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये फॉर्मेशन लेवल है। ठीक, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे फाइनली क्या रोड का, तो ये फॉर्मेशन लेवल है, इसका तल दिया हुआ आपको चैनेज नंबर 10 पर 107। सड़क में निचला ढलान है, ठीक है, सड़क में निचला ढलान है। अब ढलान भी कहां से कहां तक है, चैनेज नंबर 10 से लेके 14 तक 1 इन 150 का ढलान है। ठीक है, फिर इसके बाद जो ढलान है उसका मान बदल जाता है 1 इन 100 हो जाता है। इसका मतलब ये यह है, यहां से 10 से लेके 14 तक, फिर 14 से लेके 20 तक। अब ये ढलान हमको दिखाना है, तो जाहिर सी बात है जो 1 इन 150 है और 1 इन 100 है, इसमें से 1 इन 100 जो है ये ज्यादा तीव्र ढलान है। तीव्र ढलान का मतलब अगर ये ढलान ऐसे है, पहला वाला 1 इन 150, इससे ज्यादा तीव्र है, यानी तीक्ष्ण है, थोड़ा सा शार्प ढलान है, तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा ऐसे। तो ये ढलान की वैल्यू दी हुई है आपको, क्या दी हुई है ऐसे, ये आपको दिया हुआ है 1 इन 150। ठीक, और ये 14 के बाद यहां से ये ढलान चेंज हो जा रही है, कितनी हो जा रही है, 1 इन 100। यानी इसके तल के लेवल में जल्दी चेंज आ जा रहा है, इसमें 150 पे चेंज आ रहा है, इसमें 100 पे चेंज आ जा रहा है, इसका मतलब ये तीव्र ढलान है और ये थोड़ी माइल्ड है, इसके कंपैरिजन में ये माइल्ड है। ठीक, और ये स्टीप स्लोप है। ओके, तो ये दो स्लोप दिया हुआ आपको। ठीक, फिर सड़क निर्माण की चौड़ाई दिया हुआ आपको। ठीक, ये चौड़ाई दी हुई है, इस ऐसे ही पिछले क्वेश्चन में आपको बेस दिया हुआ था कैनाल का, यहाँ पे चौड़ाई दी हुई है सड़क निर्माण की 10 मीटर। फिर पार्श्व ढलाने दी हुई है 2:1 में। ठीक, यदि चेन की लंबाई 30 मीटर है, अब ये क्वेश्चन ठीक है, अब ये बोल रहा है कि चेन की लंबाई 30 मीटर है, तो आपको ऊपर चेनेज दिया हुआ था, ये ध्यान रखना है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, ये चेन नंबर 10, 11, 12, 20, 30 जो भी दिया हुआ ऊपर, ये केवल आपको चेनेज दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया, डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें बोल रहा है कि एक चेन की लंबाई 30 मीटर है। ठीक, अब ये कौन सी चेन है, कोई बताएगा हमको। ठीक, तो आपको चेन की लंबाई दी हुई है, इसका मतलब ये है ये चेनेज नंबर, इसका मतलब ये है कि चेनेज नंबर 10 और 11 और 12 इनके बीच में जो एक चेन की डिस्टेंस है, यानी एक चेन की डिस्टेंस यानी इनके बीच में कितनी दूरी है, 30 30 मीटर की दूरी। ठीक, अगर ये चेन की लंबाई बोल देता 20 मीटर, तो इनके बीच की दूरी 20 मीटर हो जाती। अगर ये चेन की लंबाई बोल देता 5 मीटर, तो इनके बीच की दूरी हो जाती 5 मीटर, क्योंकि 5 मीटर की भी चेन आती है, मीटरी चेन 5 मीटर में भी आती है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये डाटा दिया हुआ। फिर आपको बोला है वो उस आपको कॉस्ट निकालने के लिए भी बोला, तो कॉस्ट निकालने के लिए बोला है कि 750 प्रति परसेंट घन मीटर की दर से मिट्टी के कार्य की प्राकलन कीजिए, यानी ये 750 प्रति घन मीटर बोला है ना, प्रति परसेंट घन मीटर, इसका मतलब यह है कि 750 दे रखा है पर 100 क्यूबिक मीटर की रेट दे रखी है, और आपको टोटल रेट निकालना, तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको टोटल वॉल्यूम चाहिए होगा इसका, मृदा का, तो मृदा का टोटल वॉल्यूम निकालना आपको, तब आप जाके कॉस्ट निकाल पाओ, तो आपको इतना डाटा दिया होगा। अब देखते हैं, अब इसका हमको क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमको एल सेक्शन बनाना पड़ेगा पहले, तभी हम अंदाजा लगा पाएंगे कि इसमें कटाई होगी कि भराई होगी। तो इसका एल सेक्शन देख लेते हैं।
क्लियर है इसका आंसर से। तो इसके जो डाटा दिया हुआ है पहले फिल कर लेते हैं। तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, ये डिस्टेंस दी हुई है, ये चैनेज दिया हुआ है, सॉरी आपको चैनेज दिया हुआ है 10, 11, 12, 13, 14, 15, कहां तक 20 तक, ठीक। अब आपको पता है कि चैनेज दिया हुआ 10, यानी ये प्रारंभ बिंदु से कितना दूरी पर है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 को, 1 मीटर की जो एक चेन है उसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर, यानी ये प्रारंभ बिंदु से, यानी इसका आरडी कितना हो गया, इसका आरडी हो गया 300 मीटर पहले वाले का, ठीक। अब इसी तरह से 30-30 बढ़ता जाएगा सब में, इसमें 30 बढ़ा दीजिए 30-30 बढ़ाते जाइए, आगे की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक। क्यों? क्योंकि चेन की लंबाई 30 मीटर है, यही चेन की लंबाई 20 मीटर कर देता तो 20-20 बढ़ाती, तो पहला आरडी कितना हो जाता, पहला आरडी 200 हो जाता अगर चेन की लंबाई 20 मीटर दी होती तो, ओके। तो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस और चेनेज, चेनेज दिया रहेगा जनरली क्वेश्चन में, चेनेज ही दिया रहेगा, फिर आरएल, आरएल आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी ऊपर गिवन है, देख लीजिए। ये इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये उतरती हुई ढाल है पूरी, ये गलत हो गया है, ठीक है, ये उतरती हुई ढाल है, सारी उतरती हुई ढाल है, ये 1 in 150 भी उतरती हुई है, 1 in 100 भी उतरती हुई ढाल है, ये चढ़ती हुई ढाल नहीं है, ठीक। कल क्वेश्चन देखा मैंने दोबारा, तो ये उतरती हुई ढाल है। तो आपको 100 पे आरएल दिया हुआ है भूमि का, 11 पे भी दिया, 12 पे भी, 13 पे भी, सब पे दिया हुआ, सब पे आरएल दिया हुआ, आरएल के लिए टेंशन नहीं लीजिए, तो आरएल दिया हुआ, तो आरएल आप उसमें डिनोट कर दीजिए, तो आरएल आप दिखा दीजिए यहाँ एल सेक्शन में इसके, तो ये आरएल दिखा दिया हमने, इसका आरएल दिया हुआ लगातार सबका आरएल दिया हुआ दिखा दीजिए। फिर आरएल फॉर्मेशन लेवल का कितना हो जाएगा, फॉर्मेशन लेवल का आरएल कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितनी हाइट है पहले, तो इसकी फॉर्मेशन की हाइट देख लीजिए कितनी, उतनी जोड़नी पड़ेगी आपको, फॉर्मेशन की हाइट कितनी दी हुई है आपको, आ गया फॉर्मेशन, भूमितल 80 मीटर, 107, ठीक, हाँ 107 दी हुई है पहले वाले की हाइट आपको, तो पहले वाले की आप 107 निकाल दीजिए, ये निकाल लिए 107। अब क्या करना है, अब आपको बाकी का वो नहीं दिया हुआ, फॉर्मेशन लेवल का आरएल नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ये सब क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पहला वाला केवल आपको गिवन था। अभी आप कैसे निकालेंगे, ये आप यूज करके निकालेंगे, जो आपको स्लोप दिया हुआ, स्लोप कितना दिया हुआ, पहले 10 से लेके 14 के बीच में स्लोप दिया हुआ आपको 1 in 150। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि अगर आप 150 हॉरिजॉन्टल जाएंगे तो 1 मीटर वर्टिकल चले जाएंगे, अगर 150 मीटर हॉरिजॉन्टल तो 1 मीटर वर्टिकल, 150 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल तो 1 सेंटीमीटर वर्टिकल, 150 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल तो 1 किलोमीटर वर्टिकल। आप कितना जा रहे हैं, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है 30 मीटर की, ठीक, तो इन दोनों के बीच में तलों का अंतर कितना हो जाएगा, देख लीजिए जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में निकाले थे 150 × 30 कितना आ रहा है, ये डिवाइड करके बताइएगा इसको 1/5, यानी आपका हो जाएगा 0.2, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि 30 मीटर की दूरी पर 0.2 मीटर आपका तल नीचे गिर जाएगा, किसका, फॉर्मेशन लेवल का, ठीक है, आपको नीचे रखना पड़ेगा, पिछले वाले से निचला नीचे रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उतरती हुई ढाल लगानी है। तो आप सब में क्या करेंगे, कहां तक, लेकिन 14 तक है ये जो स्लोप है केवल 14 तक है, 14 के बाद स्लोप चेंज हो जाएगा, तो आप केवल 14 तक आरएल नंबर 14 तक आप क्या करिए, आरएल कह रहा हूं, चैनेज नंबर 14 तक आप सारा स्लोप निकाल दीजिए, यानी यहां तक सब में क्या करते जाइए, पिछले वाले में से 0.2 माइनस करते जाइए, ठीक, पिछले वाले में से 0.2 माइनस करते जाइए, यहां तक केवल यहीं तक बस, इसके आगे नहीं, क्योंकि इसके आगे स्लोप की वैल्यू चेंज हो गई, इसके आगे स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई है 1 in 100 हो गई, तो स्लोप की वैल्यू चेंज हो गई, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो तलों का अंतर है वो भी चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, अभी भी 30 मीटर है, लेकिन स्लोप कितना दिया हुआ 1 in 100, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 से, ठीक, तो ये 3/10 आ जाएगा, इसको निकाल लीजिए आप, तो आपके पास आएगा, रुपये में डिवाइड करके देख सकता हूँ कितना होगा, 3/10, तो ये आ रहा है 0.3, ओके, तो 0.3 का अंतर आ जाएगा सब में। अब क्या करेंगे आप, अब 14 के बाद जितने आपके पास वो है चेनेज है सब में क्या करिए आप, 0.3 माइनस करिएगा, देखिए
कितना माइनस किया है, कहाँ गया? 14, 1 in 5। हाँ तो इसमें से आप क्या करिए, 0.3 माइनस करिए, फिर इसमें 0.3 माइनस करिए, फिर 0.3 माइनस करिए, लेकिन 14 के बाद है ये, 14 से पहले 0.2 था ये, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्लोप अलग था वहां पे, और 14 के बाद स्लोप चेंज हो गया इसलिए ये वैल्यू भी चेंज हो गई है। ठीक, तो 0.3 माइनस करते चले जाइए, सब में पीछे वाले में से 0.3 माइनस करते चले जाइए, आगे का आपको RL मिलता जाएगा, किसका? फॉर्मेशन लेवल का। फॉर्मेशन लेवल मतलब ये जो सड़क बनेगी, सड़क का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, यानी जिस पे आप सड़क का निर्माण करेंगे, ये इसके ऊपर आप सड़क का निर्माण करेंगे, इसके ऊपर सड़क का निर्माण, मतलब ये आपका इसका RL दिया हुआ, फॉर्मेशन लेवल का, RL ऑफ फॉर्मेशन लेवल। ठीक, तो ये इसका RL दिया हुआ, ये सारे RL मिल जाएंगे, कैसे? आपको स्लोप का यूज करके, पहले 14 तक आप स्लोप का यूज करेंगे 1 in 150, उसके बाद आप यूज करेंगे 1 in 100। अब ये कैसे आया ये देख चुके हैं। ठीक, तो पहले 10 से लेकर 14 के बीच में 0.2 गिरेगा तल, उसके बाद 0.33 गिरने लगेगा, और आपको सारे RL पता चल जाएंगे फॉर्मेशन लेवल। तो ये हो गया, अब जरा ग्राउंड लेवल का क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। ठीक, हमको RL फॉर्मेशन लेवल का भी मिल गया और इसका भी मिल गया, तो देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये आपका पहला RL कितना दिया हुआ है ग्राउंड लेवल का, ग्राउंड लेवल का RL देखिए कितना, 105 है। ठीक, तो ये 105 वाली लाइन, मैं 105 वाली लाइन बना देता हूँ, ये 105 वाली लाइन आ गई। ओके, 105 की लाइन है ये, ध्यान रखिए, यानी यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए साइड में 105। तो जो पहला था आपका अटेंडेंस नंबर 10 पर 105 है आ रहे, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। ओके, लगा दिया हमने, उसके बाद आप चले जाइए दूसरे पे, दूसरे पे आरएल कितना है मेरे क्वेश्चन में देख लेता हूँ, मेरे पास जो है अपने क्वेश्चन में देख लेता हूँ, ऊपर जाएंगे तो फिर मिटाना पड़ेगा इसको। ठीक, तो उसके बाद आपका आरएल हो जा रहा है 105.6, तो 105.6, तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे 106 है आपका, यहाँ पे कहीं 106 है यार, इसको 106 लिख दीजिए। स्केल पे कोई जरूरी नहीं है कि बनाए आप, फिर 107 ऊपर है ये, तो चैलेंज नंबर 10 था ये, चैलेंज नंबर 11 पे आपको दिया हुआ है 105.6, तो 105.6 106 से नीचे ही रहेगा, तो यहाँ लगा दीजिए, फिर कितना है 105.44, तो इससे नीचे रहेगा ये, 105.6 है, और तीसरे पे यानी 12 पे आपको दिया हुआ है 105.44, तो ये नीचे आ जाएगा थोड़ा। ठीक, फिर आपको दिया हुआ 105.9, ये 105.6 था, तो ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा 106 के पास, तो यहाँ पे बिंदु लगा दीजिए। ओके, फिर आपके पास 14 पे चला जाएगा 105.42, तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं, इससे थोड़ा सा नीचे, इस वाले से थोड़ा सा नीचे। ठीक, फिर क्या आपके पास, फिर है 15 पे 104.3, यानी इससे भी नीचे आ जाएगा, ये तो 105 है, 105 कहाँ तक है, यहाँ तक, तो इससे भी नीचे आ जाएगा, ये कौन सा है आपका 12 13 14, ये 15 वाला है। ठीक, तो 15 वाले पे आरएल क्या हो जा रहा है 105.42, तो ये नीचे आ जाएगा, 105 से भी नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ गया। फिर क्या आपके पास 16 पे दिया हुआ, 16 पे दिया हुआ आपको 105, 105 यानी इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 105 वाली लाइन पे ही आ जाएगा। ठीक, फिर क्या है आपको 17 पे दिया हुआ 104.10, यानी इससे भी नीचे आ जाएगा, इससे भी नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना था 15 पे था 104.3, और 17 पे कितना हो गया है 104.10, तो इससे भी नीचे आ जाएगा, इस वाले से नीचे चला जाएगा। फिर 18 पे कितना 104.62, तो 105 के करीब करीब आ जाएगा, ये रहा, इन सब से ऊपर आ जाएगा, इससे और इससे, इन दोनों से ऊपर आ जाएगा। फिर आपके पास 19 पे क्या है 104 है, तो मान लीजिए 104 वाली लाइन, 104 वाली लाइन यहाँ, ये 104 वाली लाइन आपकी, 104 पे ये आ गया, यहाँ पे 104 है। ओके,
फिर क्या आपके पास 20 पे है 103.1, यानी इससे भी नीचे आ जाएगा, 104 है, 104 है, इससे भी नीचे आ गया, कितना 103.3। तो यहाँ पे लगा देते, अब इन सबको मिलाइए, मिलाना कैसे है ऐसे, तो आपको क्या दिखा रहा है, ये प्रोफाइल दिखा रही है आपको, एल सेक्शन दिखा रहा है किसका, ग्राउंड लेवल का, यानी ग्राउंड लेवल आपका ऐसा उबड़ खाबड़ है। अब आपको देखना यह है कि जो फॉर्मेशन लेवल है इसके किस जगह पे आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है कि इससे नीचे आ रहा है, ठीक। तो हमको क्या पता, हमको पहले वाले का फॉर्मेशन लेवल पता है, ठीक, फॉर्मेशन लेवल पता है, हमने 14 वाले का भी फॉर्मेशन लेवल निकाल रखा है, अभी निकाला है हमने, ठीक है, अभी हमने सारे फॉर्मेशन लेवल निकाले। तो 14 वाले का फॉर्मेशन लेवल आपके पास आ रहा है 106.20, यानी इससे ऊपर रहेगा 106.20, या 14 वाला ये रहा, इससे ऊपर रहेगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर रहेगा, तो ये ऊपर कर दिया हमने, ठीक। फिर ऐसे ही गिरते 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 फॉर्मेशन लेवल पहुंच जाएगा आपका चैलेंज नंबर 20 पर 104.40, तो 104.40 से आगे, ठीक, 104 से ऊपर है, 105 से नीचे है, ठीक, इनके बीच में कहीं, तो ये आ गया। अब इन सारी लाइन को मिला दीजिए, इस लाइन को मिला दीजिए, ये फॉर्मेशन लेवल शो कर रहा है आपको, ये दिखा रहा है कि फॉर्मेशन लेवल ऐसा है, ऐसा रखना है। अब ये देखिए आप, ग्राउंड लेवल तो जो आपको जिगजैग दिखा रखा है वो ग्राउंड लेवल है, और फॉर्मेशन लेवल उससे ऊपर है, तो कहीं भी फॉर्मेशन लेवल ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है क्या, अब यही पे पता चल जाएगा खुदाई में है कि कटाई में है कि किसमें है। तो आपको क्या निकालना था, आपको ये हाइट निकालनी है अभी, एम्बैंकमेंट की, यानी कितनी भराई करनी है उसकी हाइट निकालनी है, तो ये हाइट निकल जाएगी। कैसे निकालेगी, सीधी सी बात है, फॉर्मेशन लेवल में से ग्राउंड लेवल घटा देंगे तो हमको हाइट मिल जाएगी, ठीक, जो आप एम्बैंकमेंट बनाएंगे, ठीक, उसकी हाइट मिल जाएगी आपको। तो ये हाइट निकालनी, कैसे, ग्राउंड लेवल में से फॉर्मेशन लेवल को घटा दीजिए, फॉर्मेशन लेवल में से ग्राउंड लेवल को घटा दीजिए, तो घटा देते हैं नीचे, आइए नीचे आइए, तो घटा दीजिए, तो ये अब हाइट ऑफ बैंक निकालना है, जो जो तट वो बनाएंगे ना आप, क्या नाम है, एम्बैंकमेंट, उसकी हाइट निकालनी है। कैसे निकालनी है, कैसे निकालनी है, ये रहा आपके पास फॉर्मेशन लेवल, ये रहा आपके पास ग्राउंड लेवल, इसमें दोनों को माइनस करिए तो कितना आएगा, 2 मीटर आएगी, यानी जो आपको ऊपर वो बनाना पड़ेगा एम्बैंकमेंट, उसकी हाइट कितनी रहेगी, 2 मीटर रहेगी, कितने पे, चैलेंज नंबर 10 पर। अब चैलेंज नंबर 11 पे आइए, यहाँ पे कितना दिया हुआ आर एल, किसका, ग्राउंड का, 105.6, और फॉर्मेशन लेवल कितना चाहिए आपको, आपको चाहिए 106.80, तो इन दोनों को घटा दीजिए, जैसे ही घटाएंगे आपको हाइट मिल जाएगी किसकी, एम्बैंकमेंट की, ऐसे ही घटाते चले जाइए सब आगे भी, 106.6 में से 105.44 घटा दीजिए तो आपको एम्बैंकमेंट की हाइट मिल जाएगी, कहाँ पे, चैलेंज नंबर 12 पर। ये कैसे आया, ऊपर फिगर में दिख रहा था हमको, क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन कह रहा हूँ, एल सेक्शन में। फिर 106.40 में से 105.90 घटा दीजिए तो आपको ये भी मिल जाएगा, एम्बैंकमेंट की हाइट कितने पर, आपको चैलेंज नंबर 13 पर, ऐसे सब में घटाते चले जाइए, खाली घटाना है बस, फॉर्मेशन लेवल में से ग्राउंड लेवल घटा दीजिए, और ये सब किस में जाएगा, ये सब फीलिंग का वॉल्यूम है, फीलिंग का वॉल्यूम ऊपर देखे थे, क्योंकि सारी जो आपकी रोड थी पूरे चैलेंज नंबर 10 से लेकर चैलेंज नंबर 20 तक किस में थी, फीलिंग में थी, तो ये सारी हाइट जो क्या है, ये फीलिंग की हाइट है, कटिंग की हाइट नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, सब फीलिंग है ये, तो कहीं भी हमको मिट्टी को काटना नहीं है, ओके, सब जगह भराई करनी है लगातार। अब हमको क्या पता चल गया, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा सबको, अब हमको ये पता चल गया, ये रहा आपका एम्बैंकमेंट, ये रहा ये, ठीक, अब इसके अलोंग द लेंथ अगर आप देखें इसको, तो आपको ये चीज पता चल गई, क्या क्या, आपको ये D1 पता चल गया, D1 कितना है, भी निकाला आपने 2 मीटर, ये रहा, तो 2 मीटर का एम्बैंकमेंट है आपके, और आखिरी पहुंचते पहुंचते कितनी हो गई हाइट, लास्ट वाले पर, यानी चैलेंज नंबर 20 पर हाइट कितनी दी हुई है, देखिए एम्बैंकमेंट की हाइट 1.1 मीटर हो गई, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या पता है, इसका हाइट, इसकी चौड़ाई भी पता है आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी हाइट पता चल गई,
साइड स्लोप आपको पता ही है 2:1, ठीक। तो आपको सब कुछ तो पता चल गया इस सेक्शन का, तो इस सेक्शन का एरिया निकाला जा सकता है, इस सेक्शन का एरिया निकाला जा सकता है। इसी तरह से आपको दूसरे दूसरे चैलेंज पर यानी चैलेंज नंबर 11 पर क्या क्या पता है, देखिए सब पता है आपको इस पे। आप पे इसको टॉप का वो पड़ा पता है कि लंबाई कितनी है यानी टॉप की विड्थ कितनी रखनी है, ये पता क्वेश्चन में दी हुई है। साइड स्लोप पता ही है 2:1, यहाँ की हाइट कितनी है दूसरे वाले की, ये हाइट निकाली आपने 1 in ये रही 1.20, तो ये हाइट कितनी है 1.20। तो दूसरे सेक्शन का भी आपको एरिया पता चल गया, सब कुछ तो बचा है। आपको इस सेक्शन की सारी प्रॉपर्टी पता है, हाइट पता है, विड्थ पता है, साइड स्लोप पता है, तो आप इसका भी एरिया निकाल सकते हैं, तो इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। ऐसी तरह से जितने भी आपके पास सेक्शन है कहां तक 20 तक, सारों का आप एरिया निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसकी सारी प्रॉपर्टी पता है। क्या क्या पता है? हाइट पता है एम्बैकमेंट की, ठीक, और उसका साइड स्लोप पता है 2:1, और क्या पता है आपको, टॉप विड्थ पता है, ठीक। तो सारी चीजें आपको पता है, ओके। तो आप क्या निकाल सकते हैं सारे सेक्शन का, किस किस सेक्शन का, पहला सेक्शन यानी चैनल नंबर 10, 11, 12, ऐसे 13 आएगा, 14, 15, 16, 17, 18 करते करते लास्ट में 20 तक आपको सब पता है, एरिया पता है, सारे क्रॉस सेक्शन का एरिया पता है, ठीक। अब इसमें क्या लगा देंगे आप, अब इसमें आप लगा देंगे एवरेज एरिया मेथड, या फिर मीन डेप्थ वाला भी लगा सकते हैं, ठीक। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। मीन डेप्थ का मतलब आपको यहाँ की डेप्थ पता है, ठीक। ये चैलेंज नंबर याद रखिएगा, चैलेंज नंबर 10 है क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है। डेप्थ कितनी है आप पे, 2 मीटर। आप पहुंच जाएंगे फिर दूसरे वाले को, दूसरा वाला यानी चैलेंज नंबर 11 पे डेप्थ कितनी है, ये डेप्थ दिख रही है आपको, ये रही लिखा हुआ 1.20, ठीक, 1.20 मीटर। तो ये हो गया दूसरा एरिया, इसकी डेप्थ भी पता चल गई आपको, इसकी भी डेप्थ पता चल गई। इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, एक क्वेश्चन ऑन दिया हुआ है, चैलेंज 10 से लेके 11 के बीच में दूरी कितनी है, 30 मीटर है, 30 मीटर यहाँ लिख दीजिए, तो लेंथ भी पता चल गई आपको, ठीक। तो आप क्या करिए, डी मीन निकाल लीजिए यानी एवरेज डेप्थ निकाल लीजिए दोनों का। तो एवरेज डेप्थ कैसे निकलेगा, 2 मीटर प्लस 1.2 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया, 3.2 यानी 16 × 32 यानी 1.6 मीटर आ गया मीन डेप्थ, ठीक। तो ये डीएम आ गया 1.6। अब क्या करिए, इसी डेप्थ को यूज करके आप एरिया निकाल लीजिए। एरिया कौन सा, ये वाला बी डी एम प्लस एस डी एम का स्क्वायर, ठीक। तो आपने क्या निकाल लिया, ये मीन एरिया निकाल लिया, ठीक। तो एरिया निकाल लीजिए, इसको कैसे करेंगे, बी आपको दिया होगा, डी आपने निकाल लिया, एस आपको पता है 2:1, तो एस कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। डी एम आपने अभी अभी निकाला है, तो सारा निकाल के एक चार्ट में फिल कर लीजिए। चार्ट कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, 15 नंबर में आया हुआ एग्जाम, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ओके, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपकी। तो इस तरह से बना लीजिए, क्या बनाएंगे, चैलेंज का बनाएंगे, चैलेंज पता ही आपको 10 से लेके 20 तक जा रही है। फिर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बस 30-30 मीटर बढ़ाते जाइए सब में, ओके। हाइट ये अभी हमने निकाली है, कैसे निकाली है, फॉर्मेशन लेवल में से ग्राउंड लेवल माइनस कर दिया है। मीन हाइट अभी बताया मैंने, कैसे निकाली है, 2 को जोड़ दीजिए इसमें 1.2 में और इनको डिवाइड करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक। इसी तरह से 1.2 को जोड़ दीजिए 1.16 में, उसको डिवाइड करके यहाँ लिख दीजिए, ठीक। ऐसे ही करते करते आगे चले जाइए, डिवाइड करके 2 से आगे लिखते जाइए। ये क्या है, ये डीएम है, ठीक। अब ये सेंट्रल एरिया निकालेंगे, सेंट्रल एरिया मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन, जैसे क्रॉस सेक्शन आपका ऐसा है, ऐसा क्रॉस सेक्शन है ना, तो आप ये क्या करिए, पहले आयताकार का एरिया निकाल लीजिए। आयताकार का एरिया मतलब बी इंटू डीएम, तो बी इंटू डीएम कर दीजिए यहाँ पे, यानी आप क्या करेंगे 1.6 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो आपको विड्थ दी होगी, बॉटम टॉप विड्थ दी होगी, देखते हैं अभी क्वेश्चन में कितना दी हुई है, 10 दी होगी, 10 मीटर दी है, ठीक है, तो 10 मीटर दी है, तो इन सब में 10-10 मीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मीटर से मल्टीप्लाई करो यहाँ लिखो, 10 मीटर से मल्टीप्लाई करो यहाँ लिखो, ठीक। 10 मीटर से मल्टीप्लाई करके सामने, 10 मीटर से मल्टीप्लाई करके सामने, 10 मीटर से मल्टीप्लाई करके सामने, सब लिखते चले जाइए सामने 10-10 मीटर के। तो ये आपको क्या मिल गया, ये आपको इसका सेक्शन, ये एरिया मिल गया बीच वाला, ठीक। लेकिन ये एरिया बचे हुए हैं साइड वन, साइड वालों के एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एस डी एम का स्क्वायर, ठीक। तो ये भी निकाल लीजिए, एस क्या है, 2 मीटर है, 2 मीटर कह रहा हूँ, 2 है, 2:1 दिया है, तो यानी एस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, बस यहाँ पे रख दीजिए। तो ये आपको साइड वाले एरिया भी मिल जाएंगे,
तो यहाँ पे रख दीजिए। अब टोटल एरिया क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। टोटल एरिया मतलब ट्रेंगुलर को जोड़ दीजिए और रेक्टेंगल को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ते चले जाइए और सामने लिख दीजिए टोटल एरिया, टोटल एरिया। ठीक, लेंथ कितनी है इनके बीच में जरा बताइएगा। ये रही 30 मीटर, सबके बीच में 30-30 मीटर की लेंथ है, ये पता है, यहीं से दिख रहा है हमको। ठीक, अब क्या करना आपको, एरिया वॉल्यूम ही तो निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम, सारा वॉल्यूम लिख दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये मल्टीप्लीकेशन है, जैसा कैनाल में किए सेम वही प्रोसेस करना। अब ये फॉर्मूला कौन सा लगाया हम देख लेते हैं, हमने कल ही फॉर्मूला पढ़ा है, ये वाला डीएम वाला। ठीक, तो ये रहा ये मध्यम प्रस्थ काट, ये रहा ये फॉर्मूला लगाया हमने, इसको यूज किया हमने। हमने क्या किया, दो सेक्शन थी, दो सेक्शन था हमारे पास लंबाई के अलोंग। पहला सेक्शन ये रहा, इसकी डेप्थ थी D1, ठीक, और इसके वाले की डेप्थ थी D2। ठीक, दोनों का एवरेज ले लिया, डीएम निकाल लिया, और डीएम से हमने क्या किया, मीन एवरेज एरिया निकाल लिया, ये वाला एरिया निकाल लिया, और इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके हमने वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हमसे हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था कि आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करिए, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो यूज कर दीजिए। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर वाला भी यूज कर सकते थे। ऊपर वाले में क्या करना था, ऊपर वाला थोड़ा लंबा हो जाता, क्यों, क्योंकि आपको एरिया निकालना पड़ता हर सेक्शन पे, उसको फिर दो से डिवाइड करना पड़ता है। देखिए ये वाला, तब आप क्या करते हैं, तब आप ये करते हैं, लंबाई के अलोंग था ये। ठीक, तो यहाँ पे एक सेक्शन यहाँ पे भी बनता, फिर आप क्या करते, इसका एरिया निकालते A1। ठीक, तो ये थोड़ा लंबा हो जाता, तो आपको एग्जाम में आसान करना, लंबा नहीं करना काम को। ठीक, इन दोनों को दो से डिवाइड करते, फिर एवरेज एरिया लेते। ठीक, यानी ए मीन लेते, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ पे दो दो बार एरिया निकालना पड़ता, फिर दो से डिवाइड।